आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज दिन भर जो हुआ उसकी आहट दिल्ली के अंदर सुनाई दे रही थी। श्रीनगर में गुपकार गठबंधन की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक एक तरह से इसको कहा गया, और कांग्रेस, शिवसेना और अकाली दल भी इस मीटिंग का हिस्सा बने, पार्टी नेता यहां पहुंचे थे। चुनाव आयोग का फैसला मंजूर नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन हालात खराब करना और एक साजिश रचने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर करते हुए कहा कि ये इस समय पार्टियां तमाम लोगों को मिलकर गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, साजिश रच रही हैं। अकाली दल, शिवसेना, सीपीआईएम, सीपीआई, कांग्रेस, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स डेवलपमेंट फोरम और इनके अलावा बाकी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, बाकी जितने भी कश्मीर घाटी के अंदर नेता हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बने थे। तीन पूर्व मुख्यमंत्री इस मीटिंग का हिस्सा थे, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन तस्वीरें साथ साथ जम्मू की भी देख रहे हैं, जहां पर पार्टी मुख्यालय जम्मू के अंदर बैठक बीजेपी की तरफ से की गई, रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बैठक बुलाई गई थी। और एक तरफ जहां क्लियर कट दे दिया गया, साफ कर दिया गया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बैठक के बाद, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, शिवसेना ने भी अपनी बात रखी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी क्लियर वॉइस में, और तमाम पार्टियों ने मिलकर एक आवाज पर मोहर लगाई, एक निर्णय पर मोहर लगाई कि किसी भी तरीके से आज के समय में यह फैसला जो बाहर के लोगों को लाने की और जम्मू कश्मीर में एक वोट बैंक के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश है, ये कबूल नहीं है। और जो चुनाव आयोग ने कहा उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी दी, इसके पीछे जो कुछ साजिशें रची जा रही हैं यह कबूल नहीं है, यह एक तरफ का आरोप है। लेकिन इस पर जो पलटवार जम्मू से किया गया, रविंद्र रैना की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि तमाम पार्टियां मिलकर जम्मू कश्मीर को और कमजोर करने की साजिशें रच रही है। 1947 के बाद कई लोगों को, कई वर्गों को वंचित रखा गया, उनके जो अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, उनसे उन्हें वंचित रखा गया। आज जाकर बाहर के लोग उसी तरीके से नागरिक न केवल यहां पर बनने की कोई बात तो नहीं है, लेकिन अगर उन्हें अधिकार देने की बात हो रही है तो इस पर किसी तरह का कोई एतराज, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जबकि ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी हम देख रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से लगातार चल रहा था। श्रीनगर के अंदर जब बैठक हुई, सज्जाद लोन ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग या जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है ये महबूबा मुफ्ती या किसी एक नेता के फोन कॉल पर नहीं होनी चाहिए, तमाम नेताओं से बातचीत होनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि सभी लोगों को बुलाया गया था, जो आए उनका भी वेलकम, जो ना आए उनका भी वेलकम, लेकिन जनता की या जम्मू कश्मीर के हित की जहां बात होगी तमाम नेता एक साथ होंगे। पलटवार करते हुए इस पर कहा गया कि आप तो ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इसके पीछे जो साजिश है वो ये है कि ना केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस वापस दिलाया जाएगा, उसी तरीके से ये नारा भी है इन पार्टियों का। और दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब करने का एक जो संगीन आरोप है, गंभीर आरोप, रविंद्र रैना की तरफ से पलटवार करते हुए जम्मू से पार्टी नेताओं की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर आज इस बैठक पर हमला किया गया। पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए। नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, या 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख्स है वो ख़त्म होने वाला है, डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे, इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है। और हमने सब ने इस पर बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं कि जितनी पार्टी यहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके खिलाफ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार थी। इसका इसका फॉल आउट क्या होगा तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं तो मुझे बताइए। हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी, वो डर है।
जम्मू कश्मीर की आवाम का मुद्दा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं है या खाली जम्मू या खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम, कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खास करके युवाओं के कतई हक के अंदर नहीं है। और इसको लेकर हम सब एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। मतदाता सूचियों का रिवीजन चल रहा है। मतदाता सूचियों में जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानूनी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यहां मतदाता सूचियों को तैयार किया जा रहा है। हर एक नागरिक का यह अधिकार है कि जब उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाए और वो अपना नाम मतदाता सूचियों में जोड़ सकता है। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन पूरा होने के बाद जब यहां मतदाता सूचियों को ठीक किया गया और यहां मतदाताओं को, जो नए मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें कहा गया कि वो भी अपने वोट्स बनाए जम्मू कश्मीर के अंदर, यहां के राजनीतिक जो दल हैं, विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर कर रहे हैं।